हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना लकी ब्लॉगर। मेरे सामने है द ऑल न्यू 2022 की होंडा अमेज, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में प्रेजेंट है और इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू एंड वॉक अराउंड ब्लॉग शूट कर रहा हूं, क्योंकि 2022 में इस कार में कंपनी की तरफ से बहुत से न्यू अपडेट्स किए हैं जो कि आप लोगों को बताना एंड दिखाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के सेगमेंट में आने वाली बहुत ही प्रीमियम सेडान है, जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं क्योंकि इस कार में बहुत से खास फीचर्स इंक्लूड किए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार के फ्रंट प्रोफाइल एंड लुक्स से। तो फ्रंट में ऊपर साइड आपको देखने को मिल जाता है पूरा ग्लास होल्डर, जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के इंसर्ट्स के साथ में आता है। ट्विन वाइपर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है विथ वॉशर्स के साथ में, और एक न्यू डिज़ाइन के साथ में आपको पूरा बोनेट एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर कट्स एंड क्रेचेस को यूज़ किया गया है, जिससे बोनेट का जो एरिया है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एक स्पोर्टी लुक प्रेजेंट करता है कार को देखने पर। और आप लोगों को थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर साइड लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। नीचे साइड आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम इंसर्ट के साथ में, और बोल्ड लुक के साथ में क्रोम एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है ग्रिल में, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है और बहुत ही आई कैची लुक देती है। थोड़ा सा आपको मैटी फिनिशिंग भी देखने को मिल जाता है ग्रिल्स में, थोड़ा सा टेक्सचर्स यूज़ किया गया है। एंड अब आ जाते हैं हेडलाइट यूनिट पे, जो कि आपको एक बड़ी सी शेप में देखने को मिल जाती है, जिसमें डीसी हैलोजन बल्ब को यूज़ किया गया है क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में, और ये इंडिकेटर देखने को मिलता है। नीचे साइड आपको DRL का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर। और नीचे आप देखेंगे बोनेट में तो आपको फॉग लैंप का स्पेस देखने को मिल जाता है, लेकिन फॉग लैंप यूज़ नहीं किया गया है और ये क्रोम इंसर्ट्स को यूज़ किया गया है ग्रिल के साथ में। ऊपर साइड ट्विन हुक का ऑप्शंस है और ये आपको रिलेटेड ग्रिल देखने को मिल जाती है नीचे साइड बोनेट में, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। एंड फ्रंट से इस कार की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 1695 mm की, 169 mm की है, जो कि ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छी लगती है फ्रंट से देखने पर, जैसा कि आप लोगों को देखने में लग भी रहा होगा। तो अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं साइड से कैसा लुक देखने को मिल जाता है। तो साइड से कुछ ऐसा मस्कुलर डिज़ाइन एंड लुक देखने को मिल जाता है। और अब आ जाते हैं टायर्स एंड व्हील्स पे, तो इस कार में आपको 175x65 R14 inches के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टील व्हील्स के साथ में आते हैं, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कवरिंग देखने को मिल जाती है, होंडा का लोगो यूज़ किया गया है। और ऊपर साइड आप देखेंगे तो आपको ORVM देखने को मिलते हैं, जो कि बॉडी कलर्ड में है, ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है और ये LED टर्न इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, और बॉडी कलर्ड में ही आपको डोर हैंडल भी देखने को मिल जाते हैं। एंड कार के साइड्स में आपको कटेस देखने को मिल जाते हैं, कर्व्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। नीचे आपको मैं दिखा दूं, ये आपको एक कट्स देखने को मिलता है जो कि फ्रंट से रियर तक जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लगता है लुक्स के साथ में। और ए बिलर आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा पीछे तक गया है, और जो बी बिलर है वो आपको ब्लैक आउट देखने को मिल जाता है, जो कि मैटी फिनिशिंग में है। और विंडो पे ही आपको मैटी फिनिशिंग की गार्निश भी देखने को मिल जाती है, और जो सी पिलर है उसके पास में आपको क्वार्टर विंडो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का रहा साइड प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं बैक से कैसे देखने को मिल जाती है। एक्चुअली आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे कार है, जिसकी वजह से मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ऊपर साइड आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। डिफॉगर इस कार में यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि ये S वेरिएंट है, सेकंड बेस मॉडल है, और ये हाई मॉस स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है। बैक में होंडा का क्रोम फिनिशिंग में लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे नंबर प्लेट का स्पेस है, और शी शेप में आपको फुली LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही अच्छे लुक के साथ में आती है। डुअल पार्ट में यूज़ की गई है टेल लाइट, और बल्ब के साथ में इंडिकेटर और बैक लाइट देखने को मिल जाती है। मॉडल की बैजिंग यूज़ की गई है क्रोम फिनिशिंग के साथ में, एंड ऊपर साइड क्रोम फिनिशिंग में MAZ की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और बैक साइड में जो बम्पर है उस पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं ट्विन, और ये क्रोम की एक पट्टी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। एंड 4 रियर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से बैक साइड का प्रोफाइल था, जो कि बहुत ही मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में आता है और बहुत ही प्रीमियम लगता है। अब चले आते हैं सेकंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो इस कार में आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है वो है 35 लीटर का, और जो फ्यूल कैप है वो बॉडी कलर्ड में आता है। तो अब मैं साइड से इस कार के थोड़े से और डायमेंशन बता दूं, क्योंकि अभी तक मैंने केवल आपको विड्थ बताई है,
तो इस कार की जो लेंथ है वो है 3995 mm की, हाइट की बात करें तो 1501 mm की है, और जो व्हील बेस है वो है 2470 mm का, जो कि अच्छा खासा है। एंड दोस्तों अब मैं इस कार का आपको एक्सशोरूम प्राइस बता दूं, जो कि है 7,20,000 के अप्रॉक्स में, और जो ऑन रोड प्राइस है लखनऊ का वो है 8,60,000 के अप्रॉक्स में, जिसमें आपको ये सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी तो मैंने आपको पूरे फीचर्स नहीं दिखाया, अभी मैं अंदर चल के और भी फीचर्स दिखा देता हूँ। और कुछ इस प्रकार की आपको की देखने को मिल जाती है, जो कि फिजिकल की है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है, और एक नॉर्मल की देखने को मिल जाती है जिसपे कोई भी बटन्स यूज़ नहीं किए गए हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं अंदर के इंटीरियर को कैसा देखने को मिल जाता है। तो खोल लेते हैं डोर को। तो डुअल टोन फिनिशिंग में आपको ड्राइवर साइड की डोर ट्रिम देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है देखने पर। ऊपर साइड आपको हार्ड फाइबर प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही हार्ड है, और उसी में आपको सिल्वर सैटन फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है प्रीमियमनेस के लिए, और सिल्वर फिनिशिंग में आपको डोर हैंडल भी देखने को मिलता है। नीचे साइड आपको पीच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि डोर ट्रिम में यूज़ किया गया है, और ये सॉफ्ट टच यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। और नीचे साइड भी आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलती है, ग्रिपर है, और पूरा ORVM एंड पावर विंडो के कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं। नीचे साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, बॉटल होल्डर का स्पेस एंड अदर से भी स्पेस देखने को मिलता है, और कार में आपको 4 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं ड्राइवर साइड सीट की तरफ। तो आपको कुछ इस प्रकार की सीट देखने को मिलती है, जो कि हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है, और ये आपको प्रीमियम फैब्रिक सीट देखने को मिल जाती है। ऊपर हेडरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, और बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है दोनों बूस्टर्स के साथ में, और अच्छा खासा स्पेस भी है, और बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग को यूज़ किया गया है। एंड आगे साइड आपको एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है सीट का, जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, और एक छोटा सा बूट ओपन करने का लीवर देखने को मिल जाता है। नीचे साइड पैडल्स यूज़ किए गए हैं फ्रंट में, और ये फ्यूल टैंक एंड बोनेट ओपन करने का लीवर है, और ये कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हेडलाइट कंट्रोल्स यूज़ किया गया है। एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ में, और कुछ इस प्रकार का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल टोन फिनिशिंग में आता है। तो अब बैठ जाते हैं कार के अंदर और देखते हैं कैसा इंटीरियर पूरा देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं हम लोगों को। तो कुछ रिंग शेप में आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि है लेदर रैप्ड, और ये हार्ड लेदर को यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छा है। सेंटर में क्रोम फिनिशिंग में होंडा का लोगो है। एयर बैग की बैजिंग यूज़ की गई है, और सिल्वर सैटन फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है पूरे साइड्स पे, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है। और लेफ्ट साइड में म्यूज़िक एंड टेलीकॉलिंग के कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में कोई भी कंट्रोल्स नहीं है। व्हील्स के नीचे आपको लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल, और राइट साइड में इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और मिडल में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। तो अब मैं लगाता हूँ कार में चाबी को और ऑन कर लेता हूँ कार को, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो पहले लगाते हैं की को, फिर ऑन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि एनालॉग प्लस छोटी सी MID स्क्रीन के साथ में आता है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने पर। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स स्पीड है 180 की। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, और मिडल में छोटा सा MID स्क्रीन है, जिसके ऊपर आपको ट्रिप मीटर, टाइमिंग, फ्यूल इग्निशन, ओडोमीटर और रेंज देखने को मिल जाता है। और राइट साइड में मोड्स का बटन है, जिसको प्रेस करके आप ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, राइड्स को देख सकते हैं, एवरेज को देख सकते हैं। तो सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसी मीटर कॉन्सोल के अंदर, और बहुत ही अच्छा मीटर कॉन्सोल है। अब चलते हैं सेंटर में। तो कुछ इस प्रकार का सेंटर देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड आपको डुअल AC वेंट देखने को मिलते हैं विद क्रोम इंसर्ट्स के साथ में, और उसी के नीचे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि मैनुअली आता है, कोई भी टच स्क्रीन नहीं है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है, और राइट साइड में आपको हैजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है, और 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है। उसी के नीचे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर एयर को अप एंड डाउन करने का पॉइंट देखने को मिलता है। नीचे साइड 12V का सॉकेट देखने को मिल जाता है, उसी बगल में USB का भी सॉकेट यूज़ किया गया है, और नीचे साइड स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि कॉइन स्पेस है। ट्विन कप होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाता है। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा लेदर रैप्ड है, और क्रोम इंसर्ट्स को भी यूज़ किया गया है ट्रांसमिशन के साइड्स में।
और ये हैंडब्रेक देखने को मिलती है मैट ब्लैक फिनिशिंग में, और थोड़ा सा स्पेस है। बैक साइड में भी आपको बॉटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाता है। और अब आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो इस कार में आपको डुअल टोन फिनिशिंग में डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि फाइबर बॉडी के साथ में आता है और कुछ टेक्सचर्स को यूज़ किया गया है। एंड को पैसेंजर के साइड भी आपको एसी वेंट देखने को मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ में, और ये आपको सिल्वर साटन फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और डैशबोर्ड का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। नीचे एक ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही डीप है देखने पर, और अच्छा खासा स्पेस भी यूज़ किया गया है। डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है। तो कुछ इस प्रकार का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है डैशबोर्ड का। ऊपर साइड IRVM देखने को मिल जाता है, डे एंड नाइट का एडजस्टेबल है, और कोई भी कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलते हैं। वेरिटी मिरर आपको देखने को मिलता है को पैसेंजर के साइड में, और ड्राइवर के साइड में वेरिटी मिरर को यूज़ नहीं किया गया, केवल पैड यूज़ किया गया है। एंड कार के दोनों ही साइड आपको ग्रिपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है हैंड ग्रिपर और बहुत ही सॉलिड है। तो हम लोगों ने ड्राइवर साइड का पूरा इंटीरियर देख लिया। अब निकालते हैं की को, ऑफ करते हैं कार को और चलते हैं सेकेंड रो की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कैसा इंटीरियर यूज़ किया गया है। तो बंद कर लेते हैं डोर को एंड ओपन कर लेते हैं डोर को। तो आपको सेम फ्रंट के जैसे डुअल टोन फिनिशिंग में डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, जो कि हार्ड फाइबर प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। मैटी फिनिशिंग को यूज़ किया गया है, और नीचे साइड आपको सिल्वर फिनिशिंग में डोर हैंडल देखने को मिलता है। पीच फिनिशिंग में डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि पीछे साइड भी आपको सॉफ्ट टच के साथ में आती है, और ये ग्रिपर देखने को मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल है। और नीचे साइड भी आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर का स्पेस है और थोड़ा सा अलग से स्पेस यूज़ किया गया है। और सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, जो कि प्रीमियम फैब्रिक के साथ में आती है और बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सीट है पैसेंजर के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ टच करके, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, और बूस्टर्स भी यूज़ किए गए हैं। और ये आपको बेल्ट देखने को मिलती है, ऊपर साइड आपको हैंडरेस्ट फिक्स वाले देखने को मिल जाते हैं, और मिडल में ही आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें कप होल्डर को यूज़ किया गया है, और ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो आराम से आप लोग इसमें बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ग्रिपर देखने को मिलता है, मिडल में 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। तो कुछ सेकेंड साइड का इंटीरियर ऐसा रहा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ और देखते हैं कितना बूट स्पेस हम लोगों को देखने को मिल जाता है इस कार में, क्योंकि जब भी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो बूट स्पेस की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ जाती है लगेज को इंस्टॉल करने में। तो की को लगाकर ओपन कर लेते हैं बूट को। तो कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, जो कि है 420 लीटर का, 420 लीटर का है, बहुत ही अच्छा खासा है और बहुत ही स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसी में ही आपको स्टीयरिंग व्हील का भी स्पेस देखने को मिलता है, जो कि नीचे साइड है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और उसी के बगल में टूल का भी ऑप्शन यूज़ किया गया है, जहाँ पर टूल किट लगी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से रहा बूट स्पेस। अब बंद कर लेते हैं बूट को। अब चलते हैं कार के फ्रंट साइड में, और मैं आपको बता दूं इस कार का जो इंजन है उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 1199 सीसी के साथ में आता है, जिसकी मैक्स पावर है 90 BHP एट द रेट 6000 RPM की, और जो मैक्स टॉर्क है वो है 110 न्यूटन मीटर की एट द रेट 4800 RPM पे वर्क करती है। इस कार से आपको जो माइलेज देखने को मिलता है वो है 18 KMPL का मिल जाता है, 18 का, जो कि अच्छा खासा है। एंड ये पेट्रोल वेरियंट है, जो कि आप देख रहे हैं, और ये S मॉडल के साथ में आता है, जो कि वेरिएंट का नाम है। आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।